नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। चुनाव आयोग ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी को एक नोटिस जारी किया था। ये नोटिस अखिलेश यादव के एक बयान के बाद जारी किया गया था। सपा प्रमुख ने अपने एक बयान में कहा था कि हर विधानसभा सीट पर हमारे यादव और मुस्लिम समुदाय के करीब 20-20 हजार वोटर्स को बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने हटा दिया है, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में सपा से सबूत लिए हैं, जिससे अब सपा बौखला गई है और सबूत जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मुलायम सिंह के निधन के बाद सपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सपा को एक तगड़ा झटका लगा है। दरअसल चुनाव आयोग ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सपा प्रमुख ने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान वोटरों में हेराफेरी हुई है, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में सपा से सबूत मांग लिए, जिससे सपा बौखला गई है और सबूत जुटाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। आयोग द्वारा सबूत मांगे जाने पर सपा ने अपने संबंध में अपने प्रत्याशियों के लिए एक चिट्ठी जारी की है। चिट्ठी में कहा गया है कि अखिलेश यादव द्वारा आयोग में मतदाता सूची में गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची सबूत और दस्तावेज समेत सहित जमा करना है। आप अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रत्येक बूथ की मतदाता सूची में गलत ढंग से काटे गए नामों की सूची बना लें। सपा द्वारा जारी की गई चिट्ठी में लिखा है, मतदाता सूची में दर्ज नाम तथा मतदाता सूची से काटे गए नाम दोनों के मतदाता सूची के पेज एकत्रित कर लें। गलत ढंग से जिसका नाम काटा गया है उस व्यक्ति का शपथ पत्र देना होगा। मतदाता सूची से नाम काटने की गई शिकायत की छाया प्रति तथा मतदाता सूची दस्तावेज सबूत सहित 3 नवंबर तक 2022 तक हर हाल में अनिवार्य रूप से प्रदेश कार्यालय में जमा करा दें। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जिसमें यादव और मुस्लिम भाइयों के 20,000 वोट नहीं काटे गए हों। मैं कई बार कह चुका हूं और फिर भी कह रहा हूं। वो जांच करके देख लें तो पता चल जाएगा। कई जगहों से 20-20 हजार वोट हटा दिए गए हैं, कई वोटरों के नाम काट दिए गए हैं और कई वोटरों को दूसरे बूथ पर पहुंचा दिया, जिसके बाद आयोग ने नोटिस जारी कर इसके सबूत 10 नवंबर तक मांगे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। इलेक्शन कमीशन, उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दी हों, 20,000 वोट न काट दी हों। और हम तो कहते हैं, कई बार कहा और आज भी कहते हैं, जांच ने जांच करके देख लें तो आज भी 20-20 हजार वोट हमारे वहां से उड़ा दिए गए। कईयों के नाम काट दिए गए, कईयों को इस बूथ से दूसरे बूथ पे पहुंचा दिया, एक परिवार के सदस्य। आयोग के नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी अब चिट्ठी जारी कर अपने प्रत्याशियों और विधायकों को निर्देश दे चुकी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग की तरफ से सबूत मांगने से सपा आखिर कितनी बौखलाई हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।